पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और सफाई व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन अपर नगर आयुक्त को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है और जो भी बजट लगाया जा रहा है वो सिर्फ कागजों में लग रहा है। महानगर अध्यक्ष सानिया अली शानू ने नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पर पक्षपात का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है उसी तरह से नगर निगम में काम भी किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जो कर्मचारी लगाए गए हैं उन पर भी नजर रखी जाए, क्योंकि जिस तरह से सफाई व्यवस्था चौपट है उससे लगता नहीं कि शहर में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। नगर निगम मुरादाबाद से महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर मिले हैं, क्योंकि अब जो सफाई व्यवस्था प्रभारी हैं वो अपन नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद, हमने जो नालों की सफाई चल रही है उसको तेज़ी के साथ कराने की मांग की है और उसकी जो सिल्ट है वो हाथों हाथ उठवाने की मांग की है। दूसरा, वार्डों में जो अंदरूनी मोहल्ले हैं उनकी नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, उसको लेकर उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम कह रहा है कि हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं और लगातार साफ सफाई करा रहे हैं, क्या कहें इस पर? नहीं, पैसा तो खर्च हो रहा है मगर साफ सफाई हो रही नहीं हो रही, ये तो आपको भी पता, आप मीडिया से हैं, अंदर अंदरूनी मोहल्लों की जाकर नालियों की फिल्म बना लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, सफाई तो हो रही है, भारत के खजाने की सफाई हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।